नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो गए हैं शामिल, हरक की बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने कराई है ज्वाइनिंग, तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हरीश रावत ने हरक को सदस्यता दिलाई है और फिर से कांग्रेस को बनाएंगे, कांग्रेस की बनेगी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये बात कही है हरक सिंह रावत ने। 20 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया है, ये बात हरक सिंह रावत ने कही है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति में फिर से कुछ अलग देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित, 6 साल के लिए निष्कासित हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हरीश रावत ने सदस्यता दिलाई है कांग्रेस इस पार्टी की, यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हरक सिंह रावत अब कांग्रेस पार्टी के हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और साथ में उनकी बहू भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। तो बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति की बड़ी खबर। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है क्योंकि दिल्ली में सारे नेता मौजूद हैं, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजीत कांबोज देहरादून से जुड़े हुए हैं और आउटपुट हेड पूजा मोहन न्यूज रूम से जुड़ी हुई। सबसे पहले अजीत कांबोज आपके पास आएंगे। अजीत, जिस चीज का इंतजार था, आज छठवां दिन है, बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत आखिरकार कांग्रेस के शरण में पहुंच गए और कांग्रेस ने अपना भी लिया है। बिल्कुल अभिषेक, अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए तो जितना लंबा इंतजार हरक सिंह रावत को करना पड़ा है कांग्रेस में एंट्री को लेकर, उससे ही ज्यादा कहीं इंतजार आम जनता को था कि आखिर हरक सिंह रावत कौन सा संगठन को ज्वाइन कर रहा है, उनकी राजनीतिक भविष्य क्या होने जा रहा है। इस वक्त हम उत्तराखंड कांग्रेस भवन में मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी गहमा गहमी हो गई है एकदम से। और जब से हरक सिंह रावत के कांग्रेस ज्वाइन करने की बात यहाँ पर सामने आई है तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने पूर्व साथी का स्वागत किया है, बम पटाखे चलाकर यहाँ पर नारेबाजी की गई है हरक सिंह रावत के स्वागत में। और एक लंबा इंतजार हरक सिंह रावत को करना पड़ा है कांग्रेस में एंट्री को लेकर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने ही कांग्रेस का पटका हरक सिंह रावत के गले में डालकर हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति गुसाई का यहां पर स्वागत किया है। तो साफ है कि अब हरक सिंह रावत पूरे तन मन धन से कांग्रेस के प्रति समर्पित होने की बात कर रहे हैं और साफ है कि कांग्रेस की लिस्ट अभी नहीं आई है, तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि अब हरक सिंह रावत उनकी बहू अनुकृति गुसाई को लेकर भी कांग्रेस कुछ न कुछ अच्छा समझेगी और किसी न किसी सीट से उनको अपना दावेदार घोषित करेगी। लजीत, आप वापस आपके पास आते हैं। पूजा मोहन पांडे जी, आपसे समझना चाहूंगा कि राजनीति की क्या कोई सीमा नहीं है, विचारधाराओं पर राजनीति की बात करते हैं कि विचारधाराओं पर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से राजनेता सिर्फ अपने सत्ता के लालच में कहीं भी चले जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी वही कर रही है। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित या कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने वाले हरक सिंह रावत आज फिर कांग्रेस पार्टी में साथ चले आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और बखूबी उनका जोरदार स्वागत भी होता है। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 दिनों का लंबा इंतजार हरक सिंह रावत को करवाया गया। हरीश रावत जब जिस दौरान भाजपा से निष्कासित हो गए थे हरक सिंह रावत, तो हरीश रावत का एक बयान सामने आता है कि अगर माफी मांग लेंगे तो वापसी पर विचार किया जा सकता है। तो फिर वो हरक सिंह रावत ने रोते हुए बोला कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई जैसे और मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। उसके बाद 3 दिनों का और इंतजार करवाया, यानी कि कहीं ना कहीं हरीश रावत के मन में जिस तरीके की कसक थी उसको पुरजोर तरीके से निकाली है हरीश रावत ने। और आज जब मुख्यालय में हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति ने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस का हाथ थामा, तो इस एहसास के साथ वहां पर हरीश रावत मौजूद थे, प्रीतम सिंह मौजूद थे, गोंदियाल मौजूद थे, ये अपने आप में संकेत है कि हरक सिंह रावत के लिए अब कांग्रेस में रहा आसान नहीं होने वाली। इसलिए मैं कह रही हूं ये क्योंकि लैंस डाउन, मेरे ख्याल में मेरे इस बात से अजीत कांबोज भी सहमत होंगे, लैंस डाउन से जिस तरीके से वहां पर धीरेन्द्र प्रताप, रघुवीर बिष्ट समेत जितने 12 दावे दार थे, उन तमाम लोगों ने उनकी बहू का भी विरोध किया और साथ में हरक सिंह रावत का भी विरोध किया। और अब कांग्रेस के लिए इतना आसान हरक सिंह रावत को पचा पाना नहीं होगा। बिल्कुल अजीत, ये आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आप उन लोगों से भी बातचीत करते हैं जो उस विधानसभा से आते हैं। लगातार ये चल रहा था कि हरक सिंह रावत 2 टिकट मांग रहे, एक अपनी बहू की और खुद को, टिकट क्या कांग्रेस से उनको मिल सकती है, ये भी आप जानकारी दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस खेमे के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध चलता रहेगा या थम जाएगा?
बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो हरक सिंह रावत एक बड़ा नाम, बड़ा कद रखते हैं उत्तराखंड की राजनीति में, और इसी के चलते भाजपा संगठन में जो लगातार दबाव बना रहे थे, पहली बात आ रही थी कि वो दो सीटों पर टिकट मांग रहे हैं, एक लैंसेडाउन और एक कोटद्वार, और एक तीसरी सीट की भी लास्ट में बात निकलकर सामने आ रही कि रुद्रप्रयाग को लेकर भी वो दबाव बना रहे कि कम से कम तीन सीटें हरक सिंह रावत और परिवार को दी जाए, तो जिसके चलते उनका विरोध लगातार हो रहा था भाजपा संगठन में, और इसके चलते ही उनको बर्खास्त होने जैसी स्थिति का भी सामना पड़ा, और अब साफ समझा जा सकता है कि लगभग 5 दिन का इंतजार करने के बाद आज कांग्रेस में हरक सिंह रावत की एंट्री हुई है अपनी बहू अनुकृति गुसाई के साथ। और जिस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस में हरक सिंह रावत की एंट्री जरूर हो गई है, लेकिन उनका वो कद, वो रुतबा उत्तराखंड कांग्रेस में कायम नहीं रहेगा जो उनका पहले होता था। साफ समझा जा रहा है कि अब जो टिकट मिलेगा वो केवल अनुकृति गुसाई को एक यहाँ पर प्रीफर कर सकती है उत्तराखंड कांग्रेस। लैंसेडाउन सीट पर लगातार काम कर रही है अनुकृति लंबे समय से, और लैंसेडाउन सीट को लेकर ही उनकी जो रायशुमारी हुई है, जो तय हुआ है कि लैंसेडाउन से अनुकृति को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन हरक सिंह रावत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा यह अभी साफ नहीं हो पाया है। 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, इसमें केदारनाथ है, राजधानी देहरादून जी, जी पूजा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? लैंसडाउन में अजीत जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है, वहां पर जो 12 दावेदार हैं वो पहले से ही लगातार विरोध जताते चले आ रहे हैं, तो अनुकृति के लिए भी क्या ये राह इतनी आसान होगी? हरक सिंह रावत का वो कद नहीं रहा, वो हद उनकी नहीं रही, हालांकि गढ़वाल टाइगर के नाम से हमेशा से हरक सिंह रावत जाने जाते रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री तक ने गढ़वाल टाइगर बोला है, लेकिन अनुकृति के लिए भाजपा से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत के क्या लैंसडाउन में भी राह उतनी आसान नजर आती है? मेरे ख्याल में तमाम दर्शक समझना चाहेंगे अगर आप इसको साफ कर पाए तो। बिल्कुल पूजा, अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए तो हरक सिंह रावत को जो कार्य क्षेत्र रहा है वो पौड़ी जनपद रहा है। पौड़ी जनपद की लैंसडाउन विधानसभा सीट से सबसे पहले नए राज्य उत्तराखंड में हरक सिंह रावत चुनाव जीतकर पहुंचे थे, और उसके बाद दोबारा उपचुनाव होता है फिर लैंसडाउन का ही वो रुख करते हैं, और दो दो बार वहां से वो विधायक निर्वाचित हुए हैं, तो ऐसे में मजबूत पकड़ जरूर है हरक सिंह रावत की। लेकिन अब जिस तरह से वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और कांग्रेस में तमाम बड़े नेता वहां से उभरे हैं, वो लगातार अपनी पैरवी कर रहे हैं, कांग्रेस का जो पैनल तैयार हुआ है उसमें लगभग 1 दर्जन नेताओं ने अपने नाम जोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अनुकृति के लिए इतनी आसान रहा नहीं होगी कि वो लैंसेडाउन सीट से मन माफिक तरीके से चुनाव लड़ सके। अब वो कांग्रेस में शामिल जरूर हो गई है, एक जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि लैंसेडाउन सीट से अनुकृति को टिकट पक्का भी समझा जा रहा है, लेकिन जब लिस्ट फाइनल होगी, जब लोग बैठेंगे, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे तमाम कांग्रेसी नेता अनुकृति को जो आज दोपहर में कांग्रेस में शामिल होती है? और बिल्कुल 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 अजीत, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि राजनीतिक जो दल होते हैं वो तो राजनेताओं को अपना लेते हैं, लेकिन जनता सब कुछ याद रखती है, और इसका खामियाजा हरक और कांग्रेस को भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़े, पूजा मोहन पांडे जी आप भी हमारे साथ जुड़ी, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। वही राजधानी देहरादून की चकराता विधानसभा सीट से भाजपा ने रामशरण नौटियाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जनता टीवी से खास बातचीत में रामशरण नौटियाल ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाने के साथ ही मौजूदा विधायक पर भी निशाना साधा है, सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और भाजपा की अगर बात की जाए तो चकराता विधानसभा सीट से रामशरण नौटियाल जी को उन्होंने अपना दावेदार बनाया है। नौटियाल जी इस वक्त हमारे साथ। नौटियाल जी, लंबी तैयारी थी चुनाव को लेकर, अब प्रत्याशी के तौर पर आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कुछ कहेंगे चकराता को लेकर? चकराता के लिए एक अच्छी खबर है कि जो प्रत्याशी के रूप में मुझे एक जिम्मेवारी दी है, मैं तहे दिल पहले भी करता रहा हूं, अभी भी करूंगा। मेरे लिए जौनसार बाबा मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि मेरी हर चीज से ऊपर है। चकराता चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी और मैं उनके पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हूं और उनके और कांग्रेस के बीच में नहीं है। इस समय चुनाव चकराता का जनता और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। जनता इंतजार कर रही है, 65 साल का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। जनता पूछ रही है 65 साल में करीब 15-20 साल जो है मिनिस्टर रहे और 10 साल तो कंटिन्यूस इस राज्य में मिनिस्टर रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। ये लिस्टें सूचियां लेके जाइए, जनता को बताइए कि आपने ये काम किया और जमीन पे भी दिखाइए। नौटियाल जी एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष थे सबसे आप लगातार काम कर रहे हैं चकराता को लेकर, ऐसे क्या लगता है क्या चीजें अभी हैं जो नहीं हो पाई तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से? देखिए, ये राजनीतिक दलों की बात से भी हट करके जो प्रत्याशी वहां पर, जो पार्टी वहां से लगातार अपना प्रत्याशी भेज रही है और सत्ता में रहे कंटिन्यूअस, तो ये उन लोगों की जवाबदेही थी
कई महिलाएं सड़क पे डिलीवरी का जैसे पेन होता है, गांव वाले उठा के लाते अस्पताल के रास्ते में, मर गई जच्चा बच्चा सहित। तो ये क्या इनका विकास का नारा है? हमने चक्राता नवयुवकों के लिए, बेरोजगारों के लिए टाउनशिप की स्वीकृति कराई अभी, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की, मास्टर प्लान के लिए आदेश दे दिए गेम बनाने के लिए, और ये 30 किलोमीटर लंबी शहर बनेगा चक्राता से मसूरी लखवा डैम तक, चक्राता मसूरी नेशनल हाईवे पर। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने उसका विरोध किया? इसमें नवीन टाउनशिप जो आप बात कर रहे हैं चक्रोता की, क्या लगता है आपको अगर नई टाउनशिप डेवलप होती है तो कितना विकास होगा? और चक्रोता जो अभी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है उत्तराखंड का, नवीन टाउनशिप में कितना? और देखिए, नवीन चक्राता टाउनशिप से सबसे पहले तो जो बेरोजगार हजारों बच्चे हैं उनको स्वरोजगार मिल जाएगा। वहाँ कुछ लोग अपने अपने होटल खोलेंगे अपनी जगह के ऊपर, और पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं, दुकानें, रिजॉर्ट, कॉटेजेस बनाएंगे, और जो बच्चे जो ये नहीं कर सकते हैं वो होटल के क्वालिफिकेशन के हिसाब से होटल के मैनेजर्स बन सकते हैं, होटल में वेटर बनेंगे, होटल में कुक बनेंगे, और स्थानीय लोगों के जितने स्थानीय जो हमारे जौनसार बावर के लोकल प्रोड्यूस है, सब्जी है, दालें हैं, अनाज है, जो कि अभी विकास नगर देहरादून मंडी में लाना पड़ता है, वो तमाम वहाँ खपत हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये थे रामशरण नौटियाल जी, चक्रोता से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और साफ तौर पर जो मन में एक टीस है कि 65 साल से वहां पर जो कब्जा रहा है अन्य दलों का, उसके चलते वहां पर विकास नहीं हो पाया। उम्मीद है अगर जनता इन पर अपना विश्वास जताती है तो आने वाले समय में उत्तराखंड की चक्रोता विधानसभा एक बेहतर विधानसभा बनकर उभरेगी। कैमरामैन रूपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आज शाम 5 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट, 3 चरण के प्रत्याशियों की जारी होगी लिस्ट, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, 3 चरण के प्रत्याशियों की जारी होगी लिस्ट, ये सूत्रों से जानकारी आ रही है। और आज शाम 5 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद ही अहम और खास कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी आज दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राहुल गांधी ने यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा, इसे युवाओं से बात करते हुए तैयार किया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है, हम रोजगार कैसे दिलाएंगे, ये घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। कांग्रेस नेता ने बताया कि 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है, सच्चाई देश को दिख रही है, और ये क्यों हो रहा है, ये सवाल भी सरकार से किया गया है। तो यूपी के युवाओं को नए विजन की जरूरत है, हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात राहुल गांधी ने कही है। आप प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिले जिले में युवाओं से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को समझा गया है। देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच यह है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। तो ये राहुल गांधी की बात सुना रहे थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुने। रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही
महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। सफाई कर्मियों के परिवार के युवाओं को एक प्रशिक्षण के लिए और रोजगार के लिए नए अवसर निकाल जाएंगे। अति पिछड़े समूह और नदी पर निर्भर वर्गों, खासतौर से निषादों, मल्लाओं, इन वर्गों के लिए मत्स्य पालन, नौका व्यवसाय, वाटर स्पोर्ट्स के संबंधित व्यवसायों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाई जाएगी। ये क्यों? क्योंकि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमको बताया कि जैसे क्रूज शिप्स आ रही हैं, बहुत आधुनिक टाइप्स की जो नदियों पे जो व्यापार हो रहे हैं उनमें उनकी भागीदारी एकदम खत्म हो गई है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसी संस्थान जिनमें उनको पूरी प्रशिक्षण मिले, उनको इसकी ट्रेनिंग मिले कि किस तरह से वो खुद इन व्यापारों में शामिल हो पाए, इसलिए हमने ये सोचा है। अति पिछड़े समूह को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% की ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण मिलेगा। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विधि 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल युवकों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके समाधान के लिए, उनकी मदद के लिए हम एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो इसका सेंटर लखनऊ में होगा, जो पूरी तरह से काउंसलिंग, ड्रग एडिक्शन के लिए ये सारी काउंसलिंग का काम करेंगे, और उनके 4 हब होंगे अलग अलग जगहों में जहां से काउंसलिंग के कैंप्स और ड्रग एडिक्शन के। तो प्रियंका गांधी की बात सुना रहे थे, आज उन्होंने मैनिफेस्टो में क्या कुछ लाया है ये हम आपको सुना रहे थे। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि मैनिफेस्टो में कुछ चमत्कारिक होने वाला है, हालांकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक देखा जाता है जो एजुकेशन का लेवल होता है और जो रिसर्च का होता है, वो दोनों चीज दिखाई दिया है, क्योंकि रिसर्च के साथ इन चीजों को सजोहा संयोजा गया है। अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो मैनिफेस्टो लाया गया है, वाकई ये प्रदेश की जरूरत भी है, आवश्यकता भी है और इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, लेकिन इस मैनिफेस्टो का कितना प्रभाव पड़ने वाला है सूबे में, और क्या वाकई में कांग्रेस जो मैनिफेस्टो की बात कर रही है वो अगर सरकार बनाती है तो क्या इम्प्लीमेंट होता है? क्योंकि विपक्ष में रहते हुए इन मुद्दों को तो उठाया नहीं गया है, आज मैनिफेस्टो में सारे मुद्दों को एक साथ रख दिया गया है। देखिए अभिषेक, पूरी और मैनिफेस्टो कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पे जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जो अपनी पार्टी है वो कहीं न कहीं वेंटिलेटर पर थी, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में आकर जो युवाओं को जोड़ा है उस पे जान फूंकी है। और पूरा ये जो संकल्प पत्र है ये युवाओं पर आधारित है, वो चाहे नौकरी की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है ये बिल्कुल सच है, और साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना काल में जो प्राइवेट नौकरी है लोगों की वो चली गई, जो बेरोजगार जो लोग हैं या नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। तो कांग्रेस ने एक नब्ज पकड़ी कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर साधना है,
सरकार को घेरना है और लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर युवा है वो आवाज उठा रहे हैं। अभी जो वोटिंग जो मतदाता सूची निरीक्षण का काम चल रहा था उसमें उत्तर प्रदेश में करीब 80 लाख से ज्यादा नए वोटर इस बार वोट देने जा रहे हैं, तो कहीं 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 ना कहीं कांग्रेस का निशाना वो 80 लाख वोटर के साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, वो चाहे पुलिस विभाग की हो या फिर लगातार जिस तरीके से जो अति पिछड़े वर्ग की अभी बात जो बिल्कुल बिल्कुल अनुप कुमार सिंह, तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को इसमें रखा गया है मैनिफेस्टो में, कांग्रेस ने इन चीजों को उठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने साझा की। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी अपने कामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम से जुड़ रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने एक कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बीजेपी का थीम सॉन्ग सोच ईमानदार काम दमदार को लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहे, जहां सड़क मार्ग से आगरा पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। राजपुर चुंगी स्थित राजेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे फतेहाबाद रोड स्थित होटल रमाडा के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की और आगे की रणनीति भी तैयार की। आपको बता दें कि मौसम खराब के कारण जेपी नड्डा सड़क मार्ग के माध्यम से ही यहां पहुंचे। वहीं से पहले यमुना एक्सप्रेस वे के आगरा टोल प्लाजा पर बीजेपी के नेताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी टोल प्लाजा पर मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तीसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही 15 स्टार प्रचारक भी मैदान पे उतारी है आम आदमी पार्टी ने। तीसरी सूची में 33 प्रत्याशियों के नाम को शामिल किया गया है। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर में पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रत्याशियों की लिस्ट में एक पूर्व IAS, 2 PhD और 9 पोस्ट ग्रेजुएट और 13 ग्रेजुएट शामिल हैं। हमारी प्राथमिकता सुयोग्य कैंडिडेट देने की है। राजनीति में जो ये धारणा बना ली गई है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, राजनीति तो सिर्फ बुरे लोगों का काम रह गई है, राजनीति में तो सिर्फ धनबल और बाहुबल के लोग ही आएंगे, ये जो धारणा लोकतंत्र के इस पावन पर्व में, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कब क्या खेला हो जाए कहाँ कोई नहीं जान सकता। ऐसा ही कुछ खेला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत पहले चरण की जेवर विधानसभा सीट में देखने को मिला है। सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी अवतार सिंह बड़ाना ने पहले कहा कि कोरोना पीड़ित होने की वजह से वो जनहित में अपना नॉमिनेशन वापस कर रहे हैं, लेकिन इस घोषणा को 6 घंटे भी नहीं बीते थे कि बड़ाना अपने अवतार में पुनः लौट आए और ट्वीट करते हुए अपनों के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। गुर्जर नेता अवतार सिंह बड़ाना ने रात करीब 10:45 बजे ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे कोई भी मैदान हो, समाज के लिए, उनके अधिकारों के लिए, गरीबों के लिए वीरता से जंग लड़ी है। साथ ही कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण थे लेकिन RT-PCR की रिपोर्ट में कोरोना नहीं है, अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा। इस ट्वीट में उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को टैग भी किया है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बनता ही, आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।